गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मनीष चमोली कक्षा 9वीं का छात्र आपके समक्ष शिक्षक दिवस के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। गुरु का एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। वो ही विद्यार्थी को अपने जीवन में आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम सब भारतवासी एक दिन गुरु को समर्पित करते हुए शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसी दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वह एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। एक अच्छे गुरु के सारे गुण उनमें विद्यमान थे। एक अच्छे गुरु में ज्ञान, जानकारी और समृद्धि, ये तीन गुण होने आवश्यक है। एक गुरु ही एक समाज का निर्माण करता है। वो ही हजारों बच्चों को पढ़ाता है और वो ही हजारों बच्चे एक समाज का निर्माण करते हैं। इसलिए एक अच्छे गुरु की तलाश आवश्यक है। भारत में प्राचीन समय से गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। बचपन में ही बच्चों को गुरु के पास सौंप दिया जाता था और जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती थी वो गुरु के पास ही रहते थे। वहाँ वो अनुशासन सीखते थे, अध्यात्म के बारे में सीखते थे और जीवन में जागरूक रहना सीखते थे। परंतु आज की शिक्षा प्रणाली बस किताबी ज्ञान को महत्व दे रही है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा है और वो अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना होगा, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। श्री कृष्ण जैसे एक महान गुरु थे, उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय लड़ने के लिए प्रेरित किया था। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों से लड़ने में असमर्थ हो रहे थे तो श्री कृष्ण ने ही उनका मार्गदर्शन किया था और उन्हें अपना धर्म सिखाया था। यह एक महान गुरु के लक्षण होते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु तेज बहादुर आदि शंकराचार्य जैसे महान गुरु समय समय में हमारे समाज को नई दिशा दिखाते आए हैं। एक छोटे बच्चे का पहला गुरु उसके माँ बाप होते हैं, जो उसको चलना, फिरना और बोलना सिखाते हैं। उसका दूसरा गुरु उसका शिक्षक होता है, जो उसको शिक्षा देता है। और उसका तीसरा गुरु वो भगवान होता है, जो उसको जीवन में आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए हमें गुरु की कीमत को समझना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद।